क्या आपको मालूम है कि गैर जरूरी टॉक्सिंस, वेस्ट और पानी की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सीवेज सिस्टम होता है। अगर नहीं तो आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि इस सिस्टम को लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जी हाँ, ये सच है। ठीक ब्लड सर्कुलेशन की तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरे शरीर में फैली हुई करोड़ों छोटी छोटी वेसल्स से मिलकर बना होता है। जिस तरह वेन्स और आर्टरीज हमारे शरीर में ब्लड लाने ले जाने का काम करती हैं, कुछ वैसे ही लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नाम के कलरलेस फ्लूइड को बाहर निकालने में मदद करती हैं। देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम के तीन मेन काम है। नंबर एक, इसमें मौजूद लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। नंबर दो, ये वन वे ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है जो बॉडी टिश्यूज से ब्लड में फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर तीन, इसके जरिए सेल्स के बने वेस्ट से हमें छुटकारा मिलता है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होने से प्लाज्मा टिश्यूज में प्रवेश करते हैं जो सेल्स के लिए ऑक्सीजन और हार्मोन्स का जरिया बनते हैं। धीरे धीरे ये प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट होता रहता है और समय बीतने के साथ ये पूरी तरह टिश्यू फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाता है जो बाद में सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स, एक्सेस वाटर और टॉक्सिन्स को इकट्ठा करता है। आपको जान के हैरानी होगी लेकिन इस फ्लूइड का लगभग 90% हिस्सा वापस ब्लड सर्कुलेशन में ड्रेन हो जाता है। अब पीछे बचे हुए फ्लूइड के 10% हिस्से यानी लिम्फ को भी ड्रेन करना जरूरी है। इसके लिए लिम्फेटिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लिम्फ फ्लूइड लिम्फ वेसल्स के जरिए आपके पूरे शरीर में पाई जाने वाली लिम्फ नोड्स में ड्रेन हो जाती हैं। किसी भी तरह के बैकफ्लो को रोकने के लिए लिम्फ वेसल्स वन वे और मस्कुलर वॉल्व से लैस होती हैं, जो लिम्फ को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये प्रक्रिया आपके शरीर में मौजूद करोड़ों लिम्फेटिक वेसल्स में हमेशा चलती रहती है। लिम्फ नोड्स लिम्फ में मौजूद किन्हीं भी हानिकारक एजेंट्स को फिल्टर करते हैं। लिम्फ नोड्स में मौजूद लिम्फोसाइट्स नाम की व्हाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, डैमेज्ड सेल्स या कैंसर सेल्स को ब्रेक या डिस्ट्रॉय करके फिल्टर प्रोसेस को आसान बनाते हैं। फिल्ट्रेशन या डिस्ट्रॉय करने का ये प्रोसेस हमारे इम्यून सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है जो हानिकारक पदार्थों को वापस मिलने से रोक के हमें बीमार होने से बचाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया लिम्फ फ्लूइड से होके बड़ी लिम्फ वेसल्स के जरिए थोरेसिक डक्ट की मदद से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ठीक दूसरे वेस्ट्स की तरह ब्लड इसे भी ठिकाने लगा देता है। लिम्फ फ्लूइड या लिम्फेटिक सिस्टम स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स का भी हिस्सा होते हैं जो हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार चीजें खतरनाक रूप से बिगड़ जाती हैं। कई बार ऐसा पाया गया है कि इन्फेक्शन की वजह से पंपिंग रुक जाती है जो बाहों या पैरों में बड़े स्तर पर सूजन के रूप में देखने को मिलती है। कई बार किसी अवशेष या किसी दूसरे पदार्थ की वजह से लिम्फ फ्लूइड गलत दिशा में बहने लगता है। कैंसर सेल्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है जो पूरे शरीर में कैंसर सेल्स फैलने के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो जाहिर है ठीक नहीं है। अभी के लिए आपको लिम्फेटिक हेल्थ की ढेरों बधाइयां, जिसे आप उचित मात्रा में पानी पीके और एक्सरसाइज करके मेंटेन कर सकते हैं।